मकर संक्रांति के त्यौहार पर भगवान सूर्य देवता से मानवीयता की सीख लेते मत देते नजर आए। हिंदू हेल्पलाइन जिलाध्यक्ष रोहित शर्मा ने कंबल वितरण का किया आयोजन। मकर संक्रांति ऐसा समय जब सूर्य देवता भी प्रकृति एवं जीवन की खातिर उत्तरायण से प्रवेश करते हैं, तो क्यों ना कलयुग के प्रभाव से नहीं बच पाने वाले हम जनमानस भी इस दिन का लाभ उठाकर मानवीयता से पुनः प्रवेश करें। किसी मानव की व्यवस्था देखकर किसी अन्य मानव का हृदय जब विचलित हो उठे तो मदद का हाथ आगे बढ़कर ही मानवीयता को पुनः जीवित किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही संदेश देते नजर आए हिंदू हेल्पलाइन जिला अध्यक्ष श्री रोहित शर्मा। जब मकर संक्रांति के पुण्य प्रदायी पर्व पर कुछ पुण्य कमाते हुए उन्होंने बेसहारा गरीब जनों को ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण कार्य किया। इस पर उनका कहना है कि जब मनुष्य ही मनुष्य के काम नहीं आएगा तो पृथ्वी से इंसानियत अथवा मानवता जैसे शब्दों का असर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग प्रयास करें कि बुजुर्गों का हम ध्यान रख पाए और इनका आशीर्वाद हमें मिल पाए, तभी हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। तोड़ के रखना है और आपका आशीर्वाद देना है ना? ठीक है, जाओ आराम से इसे उड़ के जाओ। ठीक है बेटा। नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं हमारे ब्यौरा नगर के युवा भाइयों का, साथियों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गौरव भाई का बहुत धन्यवाद है, हमारे अग्रवाल साहब का दिल से आभार है, हमारे शिवाजी जी का दिल से आभार है, जिन्होंने आज जो अपने लोग हैं जो अपने परिवारों से बिछड़ गए और थोड़े से दूर हो गए, लेकिन आज मेरे युवा साथी लोग निरंतर गौ माता के साथ साथ युवा देश का आगे क्यों है और हिंदुस्तान को युवाओं का देश क्यों कहा जाता है, इसका परिचय आज हमारे अग्रवाल साथियों ने दिया, हमारे शिवरे बंधुओं ने दिया और हमारे जो बुजुर्ग हैं जो ठंड में थे, आज मेरे युवा भाई आगे आए। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनके माता पिता को नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो आज ये लोग बुजुर्गों की सेवा कर पा रहे हैं और प्रकार से कार्यों में आगे आ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी आगे आइए और देश के हमारे बुजुर्गों को बचाने की एक छोटी सी मुहिम आप भी अपना हाथ बढ़ाइए। नमस्कार, प्रणाम। जय जय श्री राम। राजधानी समाचार से जिला संवाददाता कैमरामैन देव सिंह परमार के साथ रघुवीर बना की खास रिपोर्ट।